पहला टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? तो बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया? तो कुली कुतुब शाह के साथ। संस्थापक संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम समय 1336 से लेकर 1356 अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। सालू के संस्थापक सालुम नरसिंह समय 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक अंतिम शासक इमाडी नरसिंह। तुल्लू के संस्थापक वीर नरसिंह समय 1505 से लेकर 1570 तक और सदाशिवराय अंतिम शासक सदाशिवराय। अराबिडु के तिरुमल संस्थापक 1570 के बाद और रंग तृतीय अंतिम शासक। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि को क्या कहा जाता? तो अष्टदिग। तालिकोटा रक्षसी तगंडी का इक्कीस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1565 में। आगे देखते हैं इसको। पहले विजयनगर साम्राज्य के राजवंश निकोलो कांटी इटली देश के था। शासक देवराय प्रथम। विवरण विजयनगर साम्राज्य का विवरण। अब्दुर रज्जा का फारस देश का। देवराय द्वितीय शासक। विजयनगर सचिवालय का गवर्नर। लपायस देश पुत्र गाली कृष्णदेव राय का शासक। विजयनगर के शिल्प एवं व्यापार का विवरण। बारबोसा पुत्रगाली कृष्णदेव राय और सती प्रथा का वर्णन। सीजर फ्रेडरिक पुत्रगाली सदाशिव राय विजयनगर का वर्णन। नूनी पुत्रगाली अच्युत देवराय सती प्रथा का उल्लेख। निकितियन रूस मोहम्मद तृतीय विजयनगर की असमानता का वर्णन। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर युग था? तेलुगु। जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति का विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसले का प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हैलबीड होयसलो का। अगले विजयनगर का प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलता है? तो हम्पी के खंडरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया विजयनगर राजाओं द्वारा। आगे है राजबरार फतेहुल्ला इमादशाह 1484 में संस्थापक इमादशाह राजवंश। राजधानी एलिचपुर गाविलगढ़ बिलय 1574 ईस्वी में अहमदनगर में। बीजापुर यूसुफ आदिल खां संस्थापक स्थापना 1489 में। राजवंश आदिल शाही राजधानी नरसपुर 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। राजवंश निजाम शाही राजधानी जुन्नार अहमदनगर 1633 ईस्वी को शाहजहाँ द्वारा मुगल साम्राज्य में। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह 1512 में। कुतुब शाही राजवंश राजधानी गोलकुंडा 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। बीदर अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी राजवंश बरीद शाह राजधानी बीदर और 1618 ईस्वी के बीजापुर में।
विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1640 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासक दीवान ने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो तैलंग ब्राह्मण खान एजहा को। बिजात का चरमोत्कर किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तुगलक वंश के। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है? तो चौधरी। हक ए सर्व किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार जजिया गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर। जकात मुसलमानों से उसकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। खुम्स लूट से प्राप्त धन इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एक एवं 4/5 हिस्से के सैनिकों को बीट में जाता, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता। खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के अंतर्गत। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टक्का एवं तांबे जीतल नामक दो सिक्के चलाए। सल्तनत काल में फाविजल का तत्पर्य क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से। दिल्ली सुल्तान में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलवन ने। आगे तो सल्तनत शासक का प्रमुख विभाग दीवान ए बिजारत वित्त विभाग। दीवान ने रियायत नियंत्रण विभाग। दीवान ने मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान ए कोई कृषि के विकास के लिए। दीवान ए कजा न्याय विभाग। दीवान ए इंसा पत्रकार विभाग। दीवान ए अर्ज सैन विभाग। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के शासन एकता व्यवस्था पर इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती है? तो सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस ए खलबत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? बलवन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितने प्रतिशत है? 20-25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक। सैन विभाग का प्रधान बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रधान शुद्र उसदो। धार्मिक विभाग का प्रधान अमीर ए आखूर। आखूर अश्व सालव का प्रधान लसर ए जानदार। सुल्तान के अंगरक्षों का प्रमुख अमीर ए हाजी। दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। आगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बाजीर होता है, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता है। अगर दिल्ली सल्तनत अस्ताफत कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक। लालाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के पांचवीं मंजिले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तूती हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला इट्टा में हुआ था तथा वह कवि इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? बलवन का मकबरा। किताब उलहंद के लेखक का नाम क्या था? अलबोरियन। मीर खुसरो ने किस भाषा के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के लिए। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माणकार पहला कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। अगला हैज ए शमसी एवं शमसी ईदगाह इल्तुतमिश। बलवन का मकबरा बलवन। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। अगला हैज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। अला जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। अला हजार सितुन अलाउद्दीन खिलजी। लाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक से उखा मस्जिद। अला तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक।
आगे देखते हैं टॉपिक। ग्रंथ के लेखक, ग्रंथ का नाम लेखक संगीत राज राणा कुंभा, रागमाला पुंडीरक विठल, ताजुल मासिर हसन निजामी, हसन निजामी। तारीख है दिल्ली खुसरो, तारीख है दिल्ली खुसरो। तारीख है मोहम्मद दिन, मोहम्मद बिहमत खान। तारीख है हिंद अलबरूनी, अलबरूनी। तारीख है मुबारक शाही, यहिया बिन अहमद सरहिंद, यहिया बिन अहमद सरहिंद। फतवा है जहिंदारी, जियादीन, जियादीन, जियादीन बरनी। खुजाइल उल फतवा अमीर खुसरो। तारीख है फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलनामा अमीर खुसरो। फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह। तारीख ए यामनी, युतवी। तवाकत ए नासिरी, मनिहाज उस सिराज। रेहाला इबन बतूता। किस पुस्तक के आदर्श मुसलमान शासक के गुण का उल्लेख किया गया? तो फतवा ए जहांगीर जहांदारी का। दिल्ली कल सल्तनत ने किस भाषा का संरक्षण प्रदान किया? फारसी को। हिंदू मुस्लिम गाद वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? सितार को। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन अलैया ने दिल्ली के सात सल्तनतों का शासनकाल देखा था? नवीन फारसी काव्य शैली सबक सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। अगला, किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की गई? राणा कुंभक है। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग एवं प्रसार का प्रथम केंद्र माना जाता है। तो ये था, चैनल सब्सक्राइब करें।